अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। जैसा कि आपको मालूम है, कोरोना वायरस के चलते बोर्ड ने 25% सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है। चाहे वो हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे मराठी मीडियम हो, इसका न्यूज़ तो आपको पहले से ही मालूम होगा कि जो सिलेबस है उसे कम कर दिया गया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर आप बताइए कि हमें कौन सा लेसन पढ़ना चाहिए और कौन सा लेसन जो है ओमिट हुआ है। तो मैं सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं और आपको बता दूं कि आपका जो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस है उसमें क्या क्या रिड्यूस हुए, या मतलब कि कौन कौन सा सिलेबस कम हुआ है, क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो चलो देखते हैं कि आपको कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। ये बच्चों इसी ईयर के लिए किया गया है, जो एकेडमिक ईयर है 2020 और 2021 के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके कारण बच्चे क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उनका स्कूल या कॉलेज भी ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, क्लासेस से भी ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। इससे बच्चों के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर है, बर्डन है, उस बर्डन को कम करने के लिए सिलेबस आपका कम कर दिया गया है। तो आपको सबसे पहले देखिए हिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो हिस्ट्री में बच्चों आपको चैप्टर नंबर पहला पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है और तीसरा आपको चैप्टर नंबर 4 यानी कि चौथा स्किप कर दिया गया है। चाहे हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, मराठी मीडियम, सभी मीडियम के लिए हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इसमें से आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, बाकी सभी चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है हिस्ट्री में आपको, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 तीनों मीडियम के लिए, चाहे हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, मराठी मीडियम, समझ में आ गया। और ये पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में आपको टोटल जो है 5 चैप्टर है, जिसमें से आपको चैप्टर नंबर 5 जो है चैलेंजेस फेस बाय इंडियन डेमोक्रेसी, ये आपको नहीं पढ़ना है, सभी को नहीं पढ़ना, चाहे हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, मराठी मीडियम, चैप्टर नंबर जो 5 है वो ओमिट कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, आपको नहीं पढ़ना है, समझ में आ गया। तो ये जो रेड कलर में है ये आपका ओमिट हुआ है। तो बच्चों मैं सोच रहा हूँ कि जितना हो सके मैं आपकी हेल्प करूँ। अभी मेरा जो ऑनलाइन क्लासेस है जिसमें ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाला है, ज्योग्राफी कंप्लीट करने के बाद बच्चों मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊँगा, और अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के बाद टाइम बचा तो मैं आपको जो रहेगा हिस्ट्री भी पढ़ाऊँगा, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकें। प्रॉब्लम सभी बच्चों को है जो अच्छे परसेंटेज लाते थे या जो बच्चे पढ़ने में एवरेज थे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ें ऑनलाइन से समझा जाए। तो बच्चों आपके पास टाइम बहुत कम है, अगर आपके पास नोट्स वगैरह है तो आप ले लीजिए, नहीं है तो अरेंज करा लीजिए और घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी कीजिए। जो आप पहले स्कूल या कॉलेज में जाके पढ़ते थे 5-6 घंटे, आपको वो घंटे आप क्या कीजिए, घर पे बैठ के उतने घंटे आप पढ़ाई कीजिए, ताकि आपके अच्छे परसेंटेज आ सकें। क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा और पेपर भी वैसे चेक होगा जैसे हमेशा चेक होता है, तो टेंशन तो आपको है, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको सेल्फ स्टडी करना है, आपको अपने लिए टाइम देना है। जब आप अपने लिए टाइम दोगे मैं गारंटी देता हूँ आपके काफ़ी अच्छे मार्क आएंगे, और जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है। तो अगर अभी तक ज्योग्राफी का आपने वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्योग्राफी का सभी वीडियो देख सकते हो। और अगर अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।